हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे, आपके पास लास्ट जो टॉपिक चल रहा था अपने पास, अर्धचालक, ठीक है। और अर्धचालक में अपन पहुंच चुके थे, अपने पास नेज अर्धचालक और अपने पास दूसरा अर्धचालक। अपन पास अर्धचालक को अपन ने स्पेशली टू टाइप से अपन ने क्या किया था, क्लासीफाई किया था, ठीक है भाई। पहले अपने चालकता देखी, चालकता ने अपने थ्री टाइप से क्लासिफाई किया। पहला अपने पास था चालक, दूसरा था अपने पास विद्युत रोधी और तीसरा था अपने पास अर्धचालक, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं कि अर्धचालक अपने पास दो प्रकार के थे, जो एक अपन पढ़ चुके थे नेज अर्धचालक और दूसरा अपने पास था अपद्रव्य अर्धचालक। लास्ट लेक्चर में अपन ने नेज अर्धचालक तक अपन ने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। और अपने कहा था शुद्ध रूप से अर्धचालक अपने यहाँ क्या कहलाते हैं, नेज अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है भाई। और अपन ये भी कहा था कि नेज अर्धचालकों में जो संयोजकता बैंड होता है वो अपने पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है, ठीक है भाई। कि नेज अर्धचालकों में जो संयोजकता बैंड क्या होता है, अपने पास इलेक्ट्रॉनों से क्या होता है, भरा होता है, अर्थात इनका चालन बैंड क्या होता है, अपने पास शून्य केल्विन पर रिक्त रहता है। चालन बैंड शून्य केल्विन पर क्या होता है, इनका रिक्त होता है। आज अपन पढ़ेंगे दूसरा अपने पास है अपद्रव्य अर्धचालक। कौन सा चालक है, अपद्रव्य अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक, ठीक है भाई। अपद्रव्य अर्धचालक क्या होते हैं अपने पास, तो अपन कहेंगे कि ऐसे पदार्थ जो सामान्य परिस्थितियों में अचालक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मिश्रण मला दिया, अशुद्धियाँ मला दी जाए, तो अपने पास किसकी तरह अर्धचालकता की तरह क्या करने लग जाते हैं, व्यवहार करने लग जाते हैं, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, ठीक है भाई। कि ऐसे पदार्थ जो सामान्य परिस्थितियों में, ऐसे पदार्थ पदार्थ जो सामान्य परिस्थितियों में सामान्य जो सामान्य परिस्थितियों में अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, परंतु थोड़ी सी अशुद्धि मिला लेने पर थोड़ी सी अशुद्धियां मिला लेने पर अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेने पर अर्ध चालक की तरह व्यवहार करते हैं, अशुद्धियां मिलान लेने पर किसकी तरह व्यवहार करते हैं, अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं, तो उन्हें अपद्रव्य अर्धचालक या बाह्य चालक कहते हैं। तो उन्हें अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं, अपद्रव्य अर्धचालक, तो उन्हें अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। कौन से अर्धचालक कहते हैं, उन्हें अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं, ठीक है भाई। जैसे अपन कहें कि जैसे उन एग्जांपल्स की मैं बात करूं, तो सिलिकॉन या जर्मेनियम शुद्ध अवस्था में आपके पास, यदि मैं सिलिकॉन की बात करूं और जर्मेनियम की बात करूं, दोनों चालक ऐसे हैं जो शुद्ध अवस्था में बहुत कम विद्युत के क्या करता है, चालन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँ, एग्जाम्पल सिलिकॉन व जर्मेनियम,
सिलिकॉन व जर्मेनियम सामान्यतः सिलिकॉन व जर्मेनियम क्रिस्टल शुद्ध अवस्था में बहुत कम विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। तो हाँ जी भाई, तो अपन क्या कह रहे हैं कि अपध्रवी अर्धचालक क्या होते हैं, कि ऐसे पदार्थ जो सामान्य परिस्थितियों में अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन अचालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी सी अशुद्धि मिला देते हैं तो अर्धचालक की तरह क्या करने लग जाते हैं, अपने पास व्यवहार करने लग जाते हैं। जैसे सिलिकॉन व जर्मेनियम कि शुद्ध अवस्था में अपने पास बहुत ही विद्युत का क्या करते हैं, अपने पास कम चालन करते हैं, लेकिन इसमें यदि अपन को से ऐसे अशुद्धियाँ मिला दें, लेकिन इसमें जैसे बोरोन या फॉस्फोरस की अशुद्धि मिला दें तो किसकी तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, तो ये विद्युत का चालन तो इनकी विद्युत चालकता में वृद्धि हो जाती है। चालकता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे यौगिक अपने पास क्या कहलाते हैं, यदि क्रिस्टल पूर्ण रूप से अशुद्धि हो तो इसे अपन अपमिश्रण कहते हैं, ठीक है। डोपिंग किसे कहा जाता है, तो अपने कहेंगे कि यदि अर्धचालक क्रिस्टलित करने से पूर्व ही वह उसमें अशुद्धियाँ मिला दी जाए, यदि किसी क्रिस्टल में उसे क्रिस्टलित करने से पूर्व ही उसमें अशुद्धियाँ मिला दी जाए तो इन्हें क्या कहते हैं, अपन अपमिश्रण कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। और डोपिंग के आधार, अपमिश्रण के आधार पर आपके पास जो अर्धचालक होते हैं अपने पास कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अपमिश्रण के आधार पर, अशुद्धि के आधार पर अपने पास अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अशुद्धि के आधार पर अर्धचालक निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। अशुद्धि के आधार पर अर्धचालक निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से होते हैं अपने पास, तो अपन कहेंगे कि एक अर्धचालक अपने पास क्या होता है, एन टाइप्स का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक, और दूसरा होता है अपने पास पी प्रकार का अर्धचालक। तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एन प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक, और दूसरा अपने पास होता है पी प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार के एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। अब अपन डिस्कस करेंगे और यहीं से आपके पास राजस्थान यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, और सबसे पहले अपन बात करें तो एन प्रकार का अर्धचालक फर्स्ट अपने पास होगा एन प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक। सबसे पहले यदि मैं एन प्रकार के अर्धचालक की बात करूं तो अपन कहते हैं कि यदि वर्ग संख्या 14 में, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं वर्ग संख्या 14, अर्थात अपने पास कौन सा ग्रुप होता है, फोर्थ ए, वर्ग संख्या 14 में के तत्व जिनकी संयोजकता कितनी होती है, 4। यदि वर्ग संख्या 14 के तत्व जिनकी संयोजकता 4 होती है, वर्ग संख्या 15 के तत्वों को मिला दिया जाए, वर्ग संख्या 15 के तत्वों को मिला दिया जाए तो जिसके कारण कि एक जिससे इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है जो कि किसी से बंध नहीं बनाता है, ये मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, ऐसे इस प्रकार के अर्धचालक अपने पास क्या कहलाते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं। मतलब अपन मिश्रण किसका कर रहे हैं, वर्ग संख्या 14 में वर्ग संख्या 15 के तत्वों को मिला दिया जाए, वर्ग संख्या 14 अर्थात 6 के तत्वों में वर्ग संख्या वो 15 के तत्वों को मिला दिया जाए, वर्ग संख्या 14 में वर्ग संख्या 15 के तत्वों को मिला दिया जाए तो जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिक्त होते हैं, खाली रहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बंध नहीं बना पाते हैं, इसकी वजह से जो चालकता प्रदर्शित होती है उसे अपन क्या कहते हैं, एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। ठीक है भाई, तो एन प्रकार के अर्धचालक में कौन सा होता है अपने पास, वर्ग संख्या अपने पास क्या होती है, 14, और यदि मैं मेंडलीव के अकॉर्डिंग कहूँ तो अपन कहेंगे कि 6 फोर्थ ए, अर्थात अपन कह सकते हैं कि वर्ग संख्या 14, वर्ग संख्या 14 अपन ये लिख सकते हैं 4a आएगा, ठीक है ना भाई, वर्ग संख्या 14 या अपन अर्थात बोल सकते लिख सकते हैं इसे 4a, वर्ग संख्या 14 जिनकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, वर्ग संख्या 14 के तत्वों वृक्ष संख्या 14 के तत्वों जिसकी संयोजकता कितने होते हैं, 14 में आता है काशी गे संत प्रभु कार्बन सिलिकॉन वाले ना, तो वर्ग संख्या 14 के तत्वों में जिनकी संयोजकता कितनी होती है, वृक्ष संख्या 14 के तत्वों में जिनकी जिनकी वर्ग संख्या 14 के तत्व जिनकी संयोजकता 4 होती है, जिनकी संयोजकताएं 4 होती है, जिनकी संयोजकता 4 होती है उनमें जिनकी संयोजकता 4 होती है उनमें वर्ग संख्या 15 कितने, कौन सा वर्ग संख्या 15 मतलब 50 जिनकी संयोजकताएं
संयोजकता कितनी होती है भाई? पांच होती है, जिनकी संयोजकता पांच होती है। वर्ग संख्या 14 जिसमें अपने पास संयोजकता कितनी होती है? चार। और वर्ग संख्या 15 जिसकी संयोजकता क्या होती है, कितनी होती है? पांच। के तत्वों को मिलाया जाए तो, के तत्वों को होती है, के तत्वों को मिलाया जाए तो, के तत्वों को मिलाया जाए तो, हाँ जी भाई, जब उन तत्वों को मिलाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, क्योंकि उसकी संयोजकता चार है और उसकी संयोजकता कितनी है? पांच है। तो अब जब दोनों को मैं आपस में मिलाऊंगा, जैसे मैं कहूंगी इसका तो सिलिकॉन हो गया, इसका आर्सेनिक हो गया, एएस हो गया, जब मैं सिलिकॉन और आर्सेनिक को मिलाऊंगा तो अपन कहेंगे कि उसके वैलेंसी सेल में चार इलेक्ट्रॉन है और इसके वैलेंसी सेल में पांच इलेक्ट्रॉन है। चार तो आपस में बंध बनाने में भाग ले लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो एक इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है अपने पास? एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है अपने पास? अधिकता हो जाती है, जिससे जो किसी से बंध नहीं बना पाता है, जो किसी से बंध नहीं बना पाता है। क्वेश्चन आएगा भाई आपसे कि एन प्रकार के अर्धचालकों को समझाइए, जो किसी से बंध नहीं बना पाता है, अर्थात मुक्त अवस्था में रहता है, अर्थात अर्थात मुक्त अवस्था में रहता है, जो किसी से बंध नहीं बना पाता है, अर्थात क्या होता है अपने पास? मुक्त अवस्था में रहता है, एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। अपन क्या कह रहे हैं कि वर्ग संख्या 14 4A के तत्वों में जिनकी संयोजकता कितनी होती है? चार। उसमें वर्ग संख्या 15 के तत्वों को मिला दी जाए जिनकी संयोजकता कितनी होती है? पांच। वर्ग संख्या 14 में वर्ग संख्या 15 के तत्वों को मिला दिया जाए तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है अपने पास? अधिकता हो जाती है, जो किसी से बंध नहीं बना पाता है, अर्थात मुक्त अवस्था में होता है। इस प्रकार के अर्धचालक अपने पास क्या कहलाते हैं? एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है भाई, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है तो एन प्रकार का अर्धचालक होगा। तो डोपिंग की किस कौन कौन से तत्वों में हो रही है? तो अपन कहेंगे वर्ग संख्या 14, जैसे मैं कहूँ कि का सी गए संत प्रभु सिलिकॉन से, अपन क्या कर रहे हैं वर्ग संख्या 15 के तत्व, जैसे नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वाला ए फॉस्फोरस, ये जो है अपने पास, उनकी अपन क्या करा रहे हैं? डोपिंग करवा रहे हैं, जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन अपने पास मुक्त हो रहा है, और ऐसा अर्धचालक अपने पास क्या कहलाता है? एन प्रकार का क्या कहलाता है? अर्धचालक कहलाता है। ठीक है भाई, यदि अपन एग्जांपल्स की बात करें तो उदाहरण के लिए अपन ये कह सकते हैं कि सिलिकॉन में यदि मैं थोड़ी सी मात्रा में क्या मिला दूं, अपन पंच संयोजित युक्त तत्व आर्सेनिक मिला दूं, जैसे एक एग्जांपल में अपन कहें कि सिलिकॉन में यदि आर्सेनिक मिला दें। ठीक है भाई, उदाहरण यदि सिलिकॉन कौन सी है? सिलिकॉन में कौन से वर्ग संख्या अपने पास? सिलिकॉन कौन से वर्ग में आता है? 14 में। सिलिकॉन में आर्सेनिक वर्ग संख्या कितना आ रहा है? 15 में, पंच संयोजी है। सिलिकॉन में आर्सेनिक
थोड़ी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में मिला दिया जाए तो, थोड़ी मात्रा में मिला दिया जाए तो आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहता है। आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में रहता है। आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहता है, जिसके कारण उत्तेजित होकर अपने पास क्या करता है, अपने पास चालकता दर्शाता है, जिससे इसी कारण अपने पास SI की क्या हो जाती है, सिलिकॉन की चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मुक्त अवस्था में रहता रहता है आर्सेनिक के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें चालकता बैंड में थोड़ा सा नीचे एक इलेक्ट्रॉन्स की एक पट्टी बन जाती है, थोड़े नीचे आर्सेनिक के जो चारों ओर है उसके नीचे थोड़ी सी एक पट्टी बन जाती है, और उस पट्टी बन जाने से, जिसे अपन दाता स्तर कहते हैं, ठीक है भाई, इस दाता स्तर से इलेक्ट्रॉन आसानी से चालकता बैंड में क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, और चालकता बैंड में उत्तेजित होने के कारण इसी सिलिकॉन की चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चालकता बैंड उत्तेजित होने के कारण सिलिकॉन की क्या हो जाती है, अपने पास है चालकता बढ़ जाती है, ठीक है भाई। तो अपन देख लें चालकता बैंड, N प्रकार का अर्धचालक, जिसमें अपन GE के चारों तरफ अपने पास संयोजी, चतुसंयोजी 1 2 3 4 सिलिकॉन के, क्योंकि अपन ने लिखा है कि GE के पंच संयोजी दाता परमाणु, ठीक है, आर्सेनिक AS के अपमिश्रण से बना N प्रकार का अर्धचालक अपन देख रहे हैं, GE और AS, ठीक है, सिलिकॉन का इनका दिखा दिया अपने पास, सिलिकॉन की चालकता बढ़ गई। अब मैं एक डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ N प्रकार के अर्धचालक, जिसमें मैं डोपिंग करा रहा हूँ GE, गैलियम, GE जो कि चतुसंयोजी है, उसमें अपन किसको डोपिंग करवा रहे हैं, आर्सेनिक जो कि अपने पास पंच संयोजी है, ठीक है भाई। तो ये आपके पास GE हो गया, ठीक है भाई, ये हो गया अपने पास GE, और पंच संयोजी अपन ले लेते हैं इसके, GE गैलियम, अब इसके चतुसंयोजी हो गए अपने पास, ठीक है, मिक्सिंग करा रहे हैं अपन, ठीक है, ये अपने पास किसके हैं, और आर्सेनिक के अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पांच संयोजी है,
और एक इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या होता है, अपने पास फ्री रहता है। एक इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है अपने पास फ्री होता है, और इस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अपने पास ये चालक क्या कहलाता है, एन प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। ये अपने पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। ये अपने पास क्या प्रजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने पास क्या है, प्रजेंट्स है, क्लियर है। ये अपने पास जो चालक होता है वो अपने पास किसका चालक कहलाता है, एन प्रकार का क्या कहलाता है, अर्धचालक। ये कौन सा चालक कहलाता है अपने पास, एन प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक। कौन सा अर्धचालक है, एन प्रकार का अर्धचालक है जिसमें किसकी डोपिंग करवा रहे अपन, गैलियम व आर्सेनिक। किस किस की, गैलियम में पंच संयोजी दाता परमाणु आर्सेनिक के अपमिश्रण से बना है। गैलियम में पंच संयोजी दाता परमाणु आर्सेनिक के मिश्रण से अपने पास जो बना है इसको अपन बोलते हैं एन प्रकार का अर्धचालक, ठीक है भाई। इसी तरह सिमिलर अपन किसका करेंगे, अपन पी प्रकार का अर्धचालक। ये तो हो गया अपने पास किसका अर्धचालक, हो गया अपने पास एन प्रकार का अर्धचालक, क्लियर है भाई। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, आपको डायग्राम बना के आना पड़ेगा। यदि आपको बोलता है वो कि एन प्रकार के अर्धचालक को समझाइए तो आपको एन प्रकार की डोपिंग दिखा के आनी पड़ेगी, और डोपिंग के साथ साथ आपको डायग्राम बना के आना पड़ेगा। ऐसे अर्धचालक अपने पास क्या कहलाते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। अब दूसरा अपने पास जो अर्धचालक है, ऐसे करके अपन खत्म किया है अर्धचालक में, दूसरा अपने पास है पी पर टाइप्स अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक। एन प्रकार के बाद में अपन क्या करेंगे, पी प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार का अर्धचालक, हाँ जी भाई, पी प्रकार के अर्धचालक की मैं बात करूं तो पी प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, अपन ये कहेंगे कि इस प्रकार के अपन क्या करें, उसमें तो वर्ग 14 में 15 को मिला रहे थे, ठीक है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन कमी, वर्ग संख्या 14 में वर्ग संख्या 13 के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है। वहां पर तो अपन क्या कर रहे थे, वर्ग संख्या 14 में वर्ग संख्या 15 के तत्वों की अशुद्धि मिला रहे थे, तो एक इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, और एक इलेक्ट्रॉन जो मुक्त हो रहा था उसकी वजह से अपन ने क्या बोला, वो एन प्रकार का अर्धचालक है। यदि वर्ग संख्या 14 में वर्ग संख्या 13 के तत्वों को मिला दिया जाए, वर्ग संख्या 14 में वर्ग संख्या 13 के तत्वों को मिला दिया जाए तो इस प्रकार के अर्धचालक का क्या होता है, निर्माण होता है। पी प्रकार का अर्धचालक, इसमें क्या होगा कि वर्ग संख्या, यदि वर्ग संख्या 14 में वर्ग संख्या 13 के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है, ठीक है। एन प्रकार के अर्धचालक में यदि वर्ग संख्या 14 में वर्ग संख्या 13 के तत्वों की वर्ग संख्या 14 में वर्ग संख्या 13 के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है,
13 के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है अशुद्धि मिलाई जाती है। वर्ग संख्या 13 में अपन किसकी अशुद्धि मिला रहे हैं? अपन वर्ग संख्या 14 के तत्वों की क्या मिला रहे हैं? अपन वर्ग संख्या 14 में वर्ग संख्या 13 की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो उनमें एक इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है अपने पास से? कमी आ जाती है। तो उनमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, तो उनमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। ठीक है भाई, एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, जिसके फलस्वरूप अपने पास जालक में एक धनात्मक छिद्र बन जाता है, जिसके फलस्वरूप जालक में एक धनात्मक छिद्र बन जाता है, जालक में एक धनात्मक छिद्र बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, जिससे अपने पास एक जालक में एक धनात्मक छिद्र बन जाता है। अब इस धनात्मक छिद्र को भरने के लिए पड़ोसी परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म, पड़ोसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? घूमने लगता है। ठीक है भाई, धनात्मक छिद्र अब देखो इस छिद्र को भरने के लिए एक छिद्र बन गया, अब इस धनात्मक छिद्र को भरने के लिए पड़ोसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस छिद्र को भरने के लिए पड़ोसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन घूमने लगता है। इस छिद्र को भरने के लिए पड़ोसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या होता है? घूमने लगता है। ठीक है भाई, और इसी की वजह से आपके पास इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन में की कमी से उस परमाणु के चारों ओर उत्पन्न हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी उस परमाणु के चारों ओर उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन की कमी उस परमाणु के चारों ओर उत्पन्न हो जाती है, इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन की कमी उस परमाणु के चारों ओर हो जाती है। अतः इस प्रकार के अर्धचालक P प्रकार के अर्धचालक
पी प्रकार के इस प्रकार के अर्धचालक किसके टाइप्स कहलाते हैं? अपने पास पी प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है भाई, तो अपन क्या कह रहे हैं कि जैसे अपन कहें उदाहरण के लिए सिलिकॉन में एल्युमिनियम या गैल्युमिनियम को मिला दिया जाए, वर्ग संख्या 14 में वर्ग संख्या अपन किसको मिला रहे हैं? 13 को मिल रहे हैं। तो वर्ग संख्या 14 में अपने पास क्या है? सिलिकॉन। और सिलिकॉन में अपन क्या बोल रहे हैं? एल्युमिनियम या गैलियम की अशुद्धि मिला दी जाए तो केवल 3 संयुजी इलेक्ट्रॉन से अपने पास क्या होते हैं? प्रजेंट्स होते हैं। अतः करीबी सिलिकॉन को जुड़ने के लिए 4 परमाणु को क्या हो सकते हैं? अपने पास आवश्यकता होती है। अतः इसकी वजह से आपके पास विद्युत जो धारा अपने पास धनात्मक छिद्रों के द्वारा लाई जाती है और वो अपने पास क्या हो जाती है? चालकता में क्या होती है? थोड़ी सी कमी कर देते हैं। ठीक है भाई, और ऊपर उसमें इलेक्ट्रॉन का छिद्र बन जाता है जिससे संयोजकता पट्टी जो है उसकी अशुद्धि के कारण अपने पास क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसफर हो जाता है और वो चालकता बैंड क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से अपन क्या करेंगे कि अपन किस में क्या बना रहे हैं कि सिलिकॉन में अपन क्या बना सकते हैं? एल्युमिनियम या अपन गैलियम की अशुद्धि मिला दी जाती है। सिलिकॉन में एल्युमिनियम या जीए की अशुद्धि मिलाने मिलाने पर इस प्रकार का मिलाने पर इस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। ये होते अपने पास एन प्रकार व पी प्रकार के अर्धचालक, और ऐसे करके आपके पास जो आयनिक स्टेट अपने पास है वो क्या होती है? खत्म होती है। स्टूडेंट्स, अपन ने त्रुटि पढ़ी थी, जालकता पढ़ी, अपन ने त्रुटियाँ पढ़ी, त्रुटियाँ दो प्रकार से पढ़ी, दोनों प्रकार के अपने रस समीकरण मिति एर रस समीकरण मिति पढ़ी, रस समीकरण मिति एन एस रस समीकरण मिति को अपन ने फर्दर फ्रैंकलैंड और छोटकी में क्लासीफाई किया, एर रस समीकरण मिति को धातु और अधातु में क्लासीफाई किया जिसमें अपन ने ऋणायन उत्तिकाओं की उपस्थिति व अंतराकाशीय धनायन, उसमें धनायन उत्तिकाओं की उपस्थिति और अंतराकाशीय ऋणायन, यहीं पे अपन ने एफ केंद्र को डिस्कस किया। फिर अपन ने अर्धचालक पढ़े, अर्धचालक अपने पास दो प्रकार के थे, नेज और अपद्रवी अर्धचालक। नेज अर्धचालक शुद्ध रूप से ठोस होते हैं, जबकि अपने पास दूसरा अपने पास अपद्रवी अर्धचालक था वो अपन ने दो प्रकार से पढ़ा, एन टाइप्स और पी टाइप्स। एन टाइप्स अर्धचालक में आपको ध्यान रखना है कि वर्ग संख्या 14 के तत्वों में वर्ग संख्या 15 के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है इसलिए इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जबकि पी प्रकार के अर्धचालक में वर्ग संख्या 13 के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है जिससे वर्ग संख्या 14 में वर्ग संख्या 13 के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है इसलिए इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो उसे अपन क्या कहते हैं? एन पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। ऐसे करके अपने पास अर्धचालक क्या होता है? अपने पास समाप्त तो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आने के बाद में अपन नेक्स्ट अपन जो स्टार्ट करेंगे वो अपने पास होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंध। देखो, जालक ऊर्जा मैंने आपसे पहले डिस्कस कर ली थी, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक अपने पास हो गए थे, राइट। और फजांस फजांस रूल्स अपन ने लास्ट लेक्चरों में क्या कर लिया है? डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। यदि मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर लूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पहले सुन लेना आप, क्योंकि लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और मेटा लर्निंग ऐप पर जो आपके नोट्स अवेलेबल है उसमें इनके टॉपिक्स आपको जो हेड डिटेल नोट्स भी आपके पास क्या होंगे? प्रजेंट्स होंगे। यदि अपन बात करें कि जालक ऊर्जा को कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं, ठीक है, जालक ऊर्जा को कौन कौन से कारक को प्रभावित करते हैं, तो अपन कहते हैं कि आयनों का आमाप, क्योंकि अपन ये कहते हैं कि जालक ऊर्जा धनायन तथा ऋणायनों की त्रिज्याओं पर क्या करती है? निर्भर करती है। अतः आयनों का आकार जितना अधिक होगा, आयनों का आकार अपने पास जितना अधिक होगा तो अपन ये कह सकते हैं कि उसकी जालक ऊर्जा उतनी ही क्या होती है? अपने पास कम होती है। कि यदि किसी का ऋणायन
ऋणायन के लिए व धनायन की त्रिज्या अपने पास क्या होती है? कम होती है। ऋणायन की, यदि किसी ऋणायन के लिए धनायन की त्रिज्या जितनी कम होगी तो अपन कहते हैं कि जाल क्रिस्टल की संरचना उतनी ही क्या होगी, प्रबल होगी। और यदि क्रिस्टल की संरचना उतनी ही प्रबल होगी तो अपन कहते हैं कि उसमें उतनी अपने पास क्या होगी, मजबूत बंधों का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है भाई, पहली बात ये कि आयनों का अमाप भी जालक ऊर्जा को प्रभावित करता है। एक छोटा सा पॉइंट है, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि जालक ऊर्जा अपने पढ़ ली थी लास्ट लेक्चर में, लेकिन प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अपने डिस्कस नहीं किया था। तो जालक ऊर्जा को पहला कारक कौन सा प्रभावित किया? आयनों का अमाप, याद कर लेना आयनों का अमाप, कि आयनों का अमाप भी जालक ऊर्जा को प्रभावित करता है। ऋणायनों का आकार बढ़ता है तो जालक ऊर्जा का मान क्या होता है? घटता है। ठीक है भाई, कि अपन ये कह रहे हैं कि जितना ज्यादा, जितना अपने पास आयनों का, जितना अधिक आमाप होगा जालक ऊर्जा उतनी क्या होती है? कम होती है। पहला। दूसरा अपन ने कहा कि आयनों पर आवेश, आप अच्छे से जानते हैं कि आयनों पर आवेश का मान अपने पास क्या होता है? जालक ऊर्जा के समानुपाती होता है। यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, कि जितना अधिक अपने पास आवेश होगा तो उस पर उतना ही अधिक अपने पास उसकी क्या होगी, जालक ऊर्जा उपस्थित होगी। जिसमें अपनी एक एग्जाम्पल मैं बात करूँ तो NaCl और MgO की मैं बात करूँ तो NaCl की तुलना में इनका गलनांक क्या होता है, MgO का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है, क्योंकि Mg+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, परसेंट होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि NaCl और MgO की मैं बात करूं तो NaCl का आपके पास कंपेयर टू MgO का गलनांक आपके पास अधिक होता है कंपेयर टू NaCl। फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें क्रिस्टल की ज्यामिति, क्रिस्टल की ज्यामिति भी जालक ऊर्जा को क्या करती है, प्रभावित करती है। तीसरा कारक है क्रिस्टल की ज्यामिति। यदि क्रिस्टल की ज्यामिति की मैं बात करूं तो जालक ऊर्जा का मान आयन सहित संकुचित होने की क्रिस्टल की ज्यामिति पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। और अपन ये कह सकते हैं कि जालक ऊर्जा का मान, यदि उसका मेडुलिंग स्थिरांक जितना अधिक होगा, जालक ऊर्जा का, किसी क्रिस्टल ज्यामिति का मेडुलिंग स्थिरांक जितना अधिक होगा उसकी जालक ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होगा। तीसरा, पहला आयनों का अमाप, दूसरा आयन पर आवेश, तीसरा क्रिस्टल की ज्यामिति, और चौथा सहसंयोजी गुण, कि यदि किसी बंध में सहसंयोजी गुण बढ़ता है, यदि आपके पास सहसंयोजकता का गुण बढ़ता है तो जालक ऊर्जा का मान भी क्या होगा, अपने पास बढ़ेगा। सहसंयोजी के गुण बढ़ेगा तो जालक ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। यदि मैं क्रिस्टल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अपने पास जालक ऊर्जा को क्या करता है, प्रभावित करता है। कि अपने पास यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है, और अपन उसके लिए फॉर्मूला भी अप्लाई करते हैं U=1-1/N, जहाँ जिसके आधार पर अपन जालक ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अपन ने कहा कि एक तो आयनों का माप, एक आयनों पर आवेश, एक क्रिस्टल की ज्यामिति, एक अपन क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सभी अपने पास जालक ऊर्जा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और एक सहसंयोजी गुण, ऐसे करके अपने पास इसका दो चैप्टर अपने पास खत्म होते हैं। सबसे पहले आयनिक अपन ने कवर किया, उसके बाद में अपन ने इसके मेटेलिक बॉन्ड के बारे में देखेंगे, और नेक्स्ट अपने पास होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इसका लास्ट टॉपिक है, जो मतलब इसी यूनिट का जो दूसरा पार्ट है उसमें अपन डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि क्या होता है हाइड्रोजन बंध, और हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं, और हाइड्रोजन बंध और वांडरवाल्स बंध में क्या डिफरेंस है, और इनको कैसे अपन डिस्कस करेंगे, कैसे अपन इससे पहचानेंगे कि ये अब हाइड्रोजन बंध हो रहा है, कौन कौन से यौगिक जो हाइड्रोजन बंध का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, इनको अपन यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।